Hello everyone. We were doing parts of speech yesterday. So let's revise quickly. So I have told you earlier, I mean yesterday, there are 8 parts of speech. Okay. First is noun, pronoun, adjective, verb, adverb, conjunction, preposition and interjection. And we have done its 2 parts, that is noun and pronoun. So today we will do next part, that is adjective, right? So adjective are also called qualifying words. As you know, that are the words, means adjective are the words that say something more about noun. Means जो adjective होते हैं वो modify करते हैं noun को, right? जैसे example लेती हूँ. Now I would like to explain it through an example. So example is, the clever boy won the prize. The clever boy won the prize. Okay. So, boy क्या है? Boy है noun. और इसके आगे, boy के आगे ये जो है, ये adjective है. Adjective. मतलब noun को clever ने modify करा है. इसलिए clever adjective हो जाएगा. One more example is, tall trees. Tall trees covered the hills. अब यहाँ पे trees कैसे हैं? Trees noun and tall adjective. बोलने का मतलब ये है, mean to say that जो words जो हैं वो noun को modify करते हैं, उनकी क्वालिटी बताते हैं, ठीक है, उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं. समझ आ गया? और इसमें जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन, जैसे आप पूछेंगे, अभी समझा रही हूँ आपको, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीज, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीज, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? टॉल ट्रीज, ठीक है, टॉल ट्रीज ये आ जाएगा आपका एग्जांपल. मींस जो नाउन की विशेषता बताता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है. सो नाउन की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव. समझ आ गया? सो चलिए इसके काइंड्स की तरफ चलते हैं. सो देयर आर 8 kinds of adjective. Adjective की 8 kinds होती हैं. So I will not write here together the kinds, but explain these kinds one by one. So please watch carefully. So first kind is, means इसकी 8 kind है, 8 kinds होती हैं. और मैं जो इसकी kinds है वो यहाँ पे नहीं लिखूँगी, मैं one by one आपको समझाती चलूँगी. सो प्लीज आप ध्यान से देखिएगा. सो फर्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, वैसे बता देती हूँ आपको ताकि थोड़ा माइंड में रखना. ये होती है आपकी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. नंबर 2 प्रॉपर एडजेक्टिव. देन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. फोर्थ इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर. फिफ्थ होती है आपकी डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव. सिक्स्थ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. देन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. एंड लास्ट 8th इज पोजेसिव एडजेक्टिव. अब हम एडजेक्टिव ऑफ
क्वालिटी करेंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जिसको हिंदी में गुणवाचक विशेषण कहते हैं, दैट टेल अबाउट अस द क्वालिटी ऑफ नाउन, ये जो होती है दैट टेल अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ नाउन, नाउन की क्वालिटी को बताता है ये, राइट। आगे एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। नाउ इट्स एग्जांपल इज टाइगर्स आर Tigers are wild animals. So tiger यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे बताया गया है कि वो जंगली जानवर होते हैं। तो animal noun and wild adjective, ठीक है, means जो noun की क्वालिटीज को शो करता है दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव एंड दिस इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज। बट ये तो आपको नेचुरली आप स्टार्टिंग से ग्रामर पढ़ते आए हैं तो ये चीज़ें तो आपको क्लियर होंगी, लेकिन आगे है इसकी भी टू काइंड्स होती हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज को भी हम टू काइंड्स में लेते हैं। एक है, ध्यान से देखना है इसको, एट्रीब्यूटली, एट्रीब्यूटिवली एडजेक्टिव, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, और सेकंड इज प्रेडिकेटिवली एडजेक्टिव। प्रेडिकेटिवली एडजेक्टिव। अब एट्रीब्यूटिव में क्या होता है, फर्स्ट काइंड ले रही हूँ मैं ये वाली, ठीक है, ये वाली एट्रीब्यूटिवली में क्या होता है, इसमें एडजेक्टिव का जो यूज होता है वो नाउन से पहले होता है, नाउन से पहले होता है इसका यूज, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, द ओल्ड मैन डाइड, द ओल्ड मैन डाइड, ठीक है। तो मैन क्या है, मैन है नाउन, और ओल्ड क्या है, ओल्ड है एडजेक्टिव, मीन्स एट्रीब्यूटिवली जो होता है एडजेक्टिव उसको उसका यूज जो है उस एडजेक्टिव का यूज नाउन से पहले होता है। वन मोर एग्जांपल इज द रेड फ्लावर्स द रेड फ्लावर इज लवली, राइट। एज यू नो दैट फ्लावर इज नाउन एंड रेड इज शो द क्वालिटी ऑफ नाउन, सो दैट इज एडजेक्टिव। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सो नेक्स्ट है प्रेडिकेटिवली एडजेक्टिव। इसमें क्या होता है, इसमें एडजेक्टिव का यूज वर्ब के बाद होता है, इसमें वर्ब के बाद होता है एडजेक्टिव का यूज। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, द पेंसिल इज, और एग्जाम्पल्स के थ्रू ही आपको सब कुछ क्लियर हो पाएगा। द पेंसिल इज हार्ड, हेल्पिंग वर्ब,
द पेंसिल इज हार्ड, ठीक है, तो पेंसिल आपकी नाउन है और इज हेल्पिंग वर्ब है और हार्ड एडजेक्टिव है, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल, द क्लॉथ इज न्यू, क्लॉथ इज न्यू, सो दिस इज एडजेक्टिव, ठीक है। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था प्रेडिकेटिवली एडजेक्टिव में जो एडजेक्टिव का यूज है वो वर्ब के बाद होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है, तो हेल्पिंग वर्ब है, दोनों में इज है, और ये जो है ये एडजेक्टिव एंड दिस वन इज ऑल्सो एडजेक्टिव। आई होप पता चल गया होगा आपको इसके काइंड्स के बारे में। अब एडजेक्टिव का दूसरा काइंड लेते हैं, दूसरा काइंड है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, ये वही है आपका जो मैंने आपको प्रॉपर नाउन के बारे में बताया था, बस उसी से रिलेट करता है, मतलब पर्टिकुलर जो आपका पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग के लिए यूज किया जाता है, प्लेस और थिंग के लिए यूज किया जाता है। आगे देखिए, जो प्रॉपर एडजेक्टिव है, प्रॉपर नाउन से पहले बनने वाले एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एग्जांपल है द मौर्य मौर्य एम्पायर, दिस इज योर एडजेक्टिव। नेक्स्ट लेते हैं द इंडियन सोल्जर, इंडियन सोल्जर, सो इंडियन इज एडजेक्टिव। और ये जो होते हैं वो सेम इसके जैसे ही होते हैं जो अभी आपने पढ़ा, और सामान्य रूप से एडजेक्टिव वो क्वालिटी की तरह ही होते हैं, ये जो फर्स्ट काइंड हमने अभी देखा है उसके जैसे होते हैं, कोई खास इसमें चेंज नहीं होता है। बस आपने ये ध्यान रखना है इसमें कि पर्टिकुलर पर्सन जो भी होता है, जैसे मैंने आपको जब नाउन की काइंड्स बताई थी तो उसमें प्रॉपर नाउन समझाया था, तो उसी के जैसे होता है, ये ज़्यादा उसमें समझने वाली बात नहीं है इसमें, बस ये याद रखना आपने। यस, सो नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सॉरी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। सो ये हमें क्या बताता है, दैट टेल अस द क्वांटिटी ऑफ नाउन्स, ये क्वांटिटी बताता है नाउन की, जिसे आप हिंदी में कहते हैं मात्रा, क्वांटिटी ऑफ नाउन, ठीक है। सो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, जैसे देयर इज लिटल शुगर लिटल शुगर इन द
जार मीन्स जार में बहुत थोड़ी सी शुगर है। क्वांटिटी मतलब मात्रा के बारे में बता रहा है वो कि जार में कितनी शुगर है, तो थोड़ी सी है। सो लिटिल क्या हो गया आपका एडजेक्टिव, क्वांटिटी के बारे में शो करता है। और सेकंड एग्जांपल लेती हूँ, गिव मी सम राइस, गिव मी सम राइस। सो सम क्या है, कुछ, मुझे कुछ राइस दे दो। सो सम क्वांटिटी शो करता है, मतलब मात्रा शो करता है। और अगर हम पूछते हैं इसके क्वेश्चन के बारे में, तो आंसर क्या आता है इसमें, हाउ मच, राइट। जैसे हम क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, हाउ मच शुगर इन द शुगर इन द जार, तो आंसर क्या आएगा आपका, आंसर ये दोगे आप, देयर इज लिटिल शुगर इन द जार। ठीक है, समझ आ गया। और इसके जो हैं, इसके सम, ये क्वांटिटी वाले वर्ड्स बता रही हूँ आपको, लिटल, फिर सफिशियंट, सफिशियंट, नेक्स्ट है मच, मोर, ये सारे वर्ड जो हैं वो अनकाउंटेबल हैं, जो मैंने आपको नाउन करवाते टाइम समझाया था, विच वी कांट काउंट, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। बस इनकी मात्रा के बारे में बता सकते हैं कि थोड़ा सा है, बहुत ज़्यादा है, कुछ है, सफिशेंट है। सफिशेंट मीन्स कि अब हिंदी में पता नहीं क्या बोलते इसको, सफिशेंट थोड़ा सा ही है मीन, ठीक है। तो ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक आई थिंक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और ये बताना चाहूंगी मैं कि इनमें से आते हैं फिलप्स, जो इंग्लिश में है टेट में, या फिर कई बार कमीशन में भी पूछ लिया जाता है, यहाँ लिटल सम, तो इस तरह के आपको काइंड्स पे ज्यादा ध्यान देना है और थॉरली उनको समझना है। सो नंबर को, एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, और दैट एडजेक्टिव टेल अस द नंबर्स और पोजीशन ऑफ पीपल एंड थिंग्स, जो हमें किसके बारे में बताता है, जो हमें नंबर्स के बारे में बताता है, किसकी, या तो पीपल की, लोगों की, ठीक है, एंड थिंग्स की, थिंग्स के बारे में भी बताता है। सो ये भी टू टाइप्स के होते हैं, दीज आर टू टाइप्स, वन इज डेफिनेट नंबर, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पे नंबर्स, और ये इनडेफिनेट। इनडेफिनेट नंबर्स, अब डेफिनेट नंबर्स क्या होते हैं, यही लिख देती हूँ नीचे। When they express an exact number, ठीक है, वो ये नंबर होते हैं जो एग्जैक्ट नंबर के बारे में बताते हैं, एग्जैक्ट नंबर्स के बारे में हमें बताते हैं। जैसे कि 10 girls, 10 girls हो गया। आगे है सिंगल डेस्क, मतलब डेस्क कितना है, एक ही है। सो
डेस्क। जो एग्जैक्ट नंबर के बारे में बताते हैं वो कौन से एडजेक्टिव ऑफ नंबर हुए? डेफिनेट नंबर्स। और जो एग्जैक्ट नंबर के बारे में नहीं बताते हैं, दे डू नॉट एक्सप्रेस द एग्जैक्ट नंबर। एग्जैक्ट नंबर में डू नॉट एक्सप्रेस द एग्जैक्ट नंबर, राइट। तो इसका एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे, जैसे अ फ्यू बसेस, हमें नहीं पता कि कितनी बसेस हैं, कुछ बसें हैं, नंबर्स नहीं हमें पता, 1, 2, 3, 4 कितनी भी हो सकती हैं, आई वी डोंट नो, राइट। एंड सेवरल पीपल, सेवरल मतलब बहुत से लोग, बहुत से लोग, काउंटिंग में हमें नहीं पता कि कितने लोग हैं यहाँ पे। सो ये हैं आपके डेफिनेट और इनडेफिनेट नंबर्स, जो कि किसके अंदर आते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंडर आएंगे। सो नेक्स्ट इज, नेक्स्ट एडजेक्टिव इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एस भी आएगा, सॉरी, DEMONSTRATIVE, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, DEMONSTRATIVE। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को संकेत वाचक विशेषण कहते हैं, और जो एडजेक्टिव अपने बाद नाउन की ओर डिनोट करता है, ठीक है, नाउन के बाद जो एडजेक्टिव होते हैं उनको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ये हो गया आपका दिस, ये मैंने आपको प्रोनाउन में भी बताया था, दिस फ्रॉक। फिर अगला लेते हैं दैट चर्च, दैट चर्च, दीज मैन, दीज मैन, और दोज डेस्क, दोज डेस्क। ये सारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी यही था, दिस दीज पास की चीजों के लिए यूज किया जाता है, और दैट और दोज दूर की चीजों के लिए किया जाता है। और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट एक बात है जो कि ध्यान से नोट भी कर सकते हो आप लोग, इम्पोर्टेंट नोट है ये, जब दिस दैट दीज का यूज जो है, दिस दैट दीज और दोज, इसका यूज अगर नाउन के तुरंत बाद आता है तो ये शब्द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, और अगर इनके तुरंत बाद वर्ब है, मतलब एडजेक्टिव के इनके बाद जो है वो, अगर नाउन आता है एडजेक्टिव के बाद, इन एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन आता है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। और इन्हीं इन दिस दैट दो दीज दोज के तुरंत बाद अगर, इन एडजेक्टिव के तुरंत बाद अगर वर्ब आता है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। अभी समझाऊंगी मैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देखिए,
एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, इसका एग्जाम्पल है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, तो दिस गर्ल इज प्रिटी, दिस गर्ल इज प्रिटी। इसका भी लिख देती हूँ फिर आपको रिलेट करवाती हूँ। दिस इज अ प्रिटी गर्ल, प्रिटी गर्ल। अब देखिए, मैंने आपको कहा था अगर यहाँ पे दिस दैट दीज दोज का, दोज के तुरंत बाद अगर नाउन होता है, इनके तुरंत बाद, मतलब ये एडजेक्टिव है ना, दिस दैट दीज दोज, ये एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव के तुरंत बाद अगर नाउन हो तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, और दिस दैट दोज दीज दोज के, ये भी एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव के तुरंत बाद अगर वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। ठीक है, समझ आ गया। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, दिस गर्ल इज प्रेटी, दिस इज नाउन, ये क्या है, नाउन है, और इसके दिस क्या है, एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद अगर नाउन आता है, ये नाउन आता है, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। और इसमें मैंने क्या कहा था कि दिस दैट दीज दोज जो एडजेक्टिव होते हैं, उनके तुरंत बाद अगर वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। समझ आ गया आपको? तो ये एडजेक्टिव है और ये हेल्पिंग वर्ब है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। सो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, और ध्यान से सारी चीज़ें जो है मैं क्लियर करवा रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना है आपको। सो वन मोर एग्जाम्पल इज, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, दीज गर्ल्स आर वाइट, दीज गर्ल्स आर वाइट। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दीज आर वाइट गर्ल्स, दीज आर वाइट काउस। अब फिर से देखिए यहाँ पे, ये काउस इज प्रोनाउन, सॉरी नाउन, ये नाउन है, ठीक है, ये नाउन आ गया और ये आ गया आपका एडजेक्टिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन आता है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ, और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आता है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। ठीक है, समझ आ गया इतना। चलिए नेक्स्ट करते हैं, सिक्स्थ। यस, नेक्स्ट इज सिक्स्थ, डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, शॉर्ट में लिखा है मैंने यहाँ पे। सो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को विभाग सूचक विशेषण कहते हैं, और ये किसी ग्रुप में, मतलब किसी ग्रुप या फिर किसी वर्ग की प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति को जो प्रकट करता है, उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल में समझ आ जाएगा आपको, जैसे ईच, ठीक है, ईच डे, ईच डे, एवरी चाइल्ड, एवरी चाइल्ड, फिर आ गया ईदर फ्रॉग, ईदर फ्रॉग, नीदर एडवाइस, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं।
और इनमें भी जो है ईच एवरी इधर नीदर के तुरंत बाद यदि नाउन होता है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं, और यदि ईच एवरी इधर नीदर के तुरंत बाद कोई अन्य शब्द होता है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। एग्जाम्पल से समझना है, ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सो एग्जाम्पल लेते हैं इसका। ईच बॉय टुक हिज सीट, ईच बॉय टुक हिज सीट। पहले ये भी लिख लेते हैं फिर दोनों को रिलेट करते हैं। ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज टुक हिज सीट, सीट। अब देखिए ईच बॉय टुक हिज सीट मतलब हर लड़के ने अपनी सीट ले ली। तो मैंने ये बताया था आपको कि ईच ईच एवरी इधर नीदर के तुरंत बाद अगर नाउन आता है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। तो ये बॉय इज नाउन है और ईच है आपका एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और यहाँ पे मैंने ये कहा था कि ईच एवरी इधर के तुरंत बाद अगर अन्य वर्ड आता है, कोई अदर वर्ड आता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। ईच ऑफ द बॉयज टुक हिज सीट मतलब बहुत सारे लड़के थे और उसमें से ईच ऑफ प्रत्येक ने अपनी सीट ले ली। तो ये हो गया आपका प्रोनाउन। बस ये याद रखना है आपने कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में अगर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन आता है तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया, और अगर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद अगर कोई अदर वर्ड आता है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाता है। वन मोर एग्जाम्पल इज नीदर स्टेटमेंट इज ट्रू, नीदर स्टेटमेंट इज ट्रू मतलब कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। अब यहां देखिएगा, नीदर ऑफ द टू शोड द होमवर्क, नीदर ऑफ द टू, टू लिखा है मैंने, सॉरी फॉर हैंड राइटिंग, टू शोड हिज होमवर्क मतलब दोनों में से किसी ने भी होमवर्क चेक नहीं करवाया, ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ये जरूरत है क्योंकि नाउन या फिर वर्ब चेंज होने से सेंटेंस की पूरी सेंटेंस जो है पूरा चेंज हो जाता है, और इसलिए मैं आपको ये सब समझा रही हूँ। और सिंपल सिंपल तो एग्जाम में आपको पूछा नहीं जाएगा, इसलिए ये थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे के समझोगे तो समझ आ जाएगा, और बाद में इसको किसी ग्रामर की बुक तो आपके पास होगी ही तो उसमें से रिवाइज करना आप लोग, ठीक है। और साथ साथ आपकी एडजेक्टिव और प्रोनाउन की रिवीजन भी हो रही है। सो गाइस इसके सेवेंथ और एट्थ हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव एंड पोजेसिव एडजेक्टिव, वो हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और इसका थोड़ा सा और भी है जो कि काफ़ी बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है, जैसे फ्यू कहाँ लगता है, अ लिटल कहाँ लगता है, द लिटल कहाँ लगता है, मैनी कहाँ लगता है, ये सब फिर मैं आपको अगले कल के लेक्चर में बताती हूँ। सो
टेक केयर एंड बाय बाय।